एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस छिड़ गई, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। समाधान ना निकलने पर भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सैम को एक विशाल अग्नि स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा व विष्णु से कहा कि स्तंभ के छोर का पता लगाइए, जो भी इसे पता लगाने में सफल होगा वही विजय माना जाएगा और श्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह का रूप धारण करके अग्नि स्तंभ का निचला छोर खोजने निकले और ब्रह्मा ने स्वयं को हंस में परिवर्तित करके अग्नि स्तंभ पर शीश खोजने के लिए ऊपर की दिशा में उड़ान भरी। कुछ समय बाद विष्णु ने लौटकर बताया कि उन्हें स्तंभ का छोर नहीं मिल पाया। तभी ब्रह्मा जी भी आए, परंतु उन्होंने शिव से झूठ बोला और कह दिया कि उन्होंने स्तंभ के ऊपरी छोर का पता लगा लिया। शिव ने प्रमाण मांगा तो ब्रह्मा ने केतकी के पुष्प को साक्षी बनाकर प्रस्तुत किया। पुष्प ने भी मिथ्या गवाही दी कि ब्रह्मा ने उनके सामने अग्नि स्तंभ का सिर खोजा है। इस पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को शाप दे दिया। शिव बोले, ब्रह्मदेव आपने स्वयं को श्रेष्ठ करने के लिए झूठ का सहारा लिया, इसलिए अब से आपकी पूजा नहीं होगी और केतकी ने आपका साथ दिया इसलिए इसे भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी साप के चलते ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और केतकी की पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके नाम का मंदिर कहीं नहीं दिखाई देता है। तो कैसा लगा आपको सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बारे में जानकर? उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।